हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? नीरज कॉमर्स क्लासेस आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का रॉयल्टी अकाउंट। अब ये रॉयल्टी अकाउंट होता है क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीपीटी के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीएस के स्टूडेंट हो या सीसीएमए के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रॉयल्टी अकाउंट होता है क्या, देखिए, रॉयल्टी मीन्स होता है रॉयल्टी एज यूज इन द आर्टिकल मीन्स पेमेंट ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज ए कंसिडरेशन। मतलब रॉयल्टी उस चीज़ को बोलते हैं किसी आर्टिकल को यूज करने से, किसी चीज़ को यूज करने से जो पेमेंट हम देते हैं, पेमेंट जो करते हैं एज ए कंसिडरेशन के रूप पे, तो वो रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है। अब किसी चीज़ को हम यूज करेंगे तो यूज करने से जो अमाउंट हम दे रहे हैं किसी को, वो मेरे लिए क्या है, रॉयल्टी है। अब सपोज मानकर चलो कि अगर कोई, अब बहुत से मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे राइटर की बुक हैं, जैसे डी के गोयल है, तो एस के सिंह है, ठीक है, टी एस अग्रवाल है, तो हर तरह के राइटर हैं और हर तरह के राइटर अपने अपने बुक प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वो खुद से अपने पब्लिशर बनते नहीं? देखते होंगे बुक में राइटर का तो नाम होता है लेकिन पब्लिशर का नाम अलग होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे टी आर जैन है, वी के पब्लिकेशन, तो वी के पब्लिकेशन किसी और का है जो कि टी आर जैन उस पर बुक पे राइट किया, ठीक है, किए। तो जब कोई पब्लिशर बुक पब्लिश करता है तो वो राइटर के नाम से, एक राइटर का हेल्प रहता है, तो उस वो राइटर उस बुक को लिखने के कारण उससे एक रेंट लेता है जिसे हम रॉयल्टी बोलते हैं, वो रॉयल्टी देता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, फॉर द यूज और द राइट टू यूज, मतलब यूज करने का अधिकार भी मिल जाता है। जैसे एनी कॉपी राइट ऑफ लिटरेसी, ठीक है, किसी चीज़ का आप कॉपी राइट करते हो लिटरेसी, आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क जैसे सिनेमाटोग्राफी, फिल्म हो गया, टैप यूज फॉर रेडियो हो गया, सब फिल्म वगैरह, जब तक फिल्म चलते रहेगा तब तक रॉयल्टी मिलते रहेगा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, प्लान हो गया, डिजाइन हो गया, मॉडल, एक सिंपल वे में हम लिखे हैं, सीक्रेट फार्मूला अगर आप देते हो तो उसके लिए प्रोसेस है, तो वो है इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल और साइंटिफिक है, फॉर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल और साइंटिफिक एक्सपीरियंस, इन सभी को यूज करने के कारण जो हम रॉयल्टी पेमेंट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं, कंसिडरेशन देते हैं उसको, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने से जो हमें अधिकार मिल जाता है, एक पोजीशन मिल जाता है, और उस पोजीशन को यूज करने से जो कंसिडरेशन देते हैं जो पर्सन को, वो रॉयल उस अमाउंट को हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, जो लेता है वो लेसी कहलाता है, जिसका है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड कहलाता है। तो ये था रॉयल्टी का कंडीशन। अब देखो इसका टाइप्स क्या है रॉयल्टी का, देख सकते हो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी है। तो देखो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी तीन होता है, कॉपीराइट, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी। कॉपीराइट, माइनिंग रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह समझिएगा कॉपीराइट, पेटेंट ये सब होता है क्या, देखिए। तो हम बात करेंगे पहले कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कॉपीराइट क्या है। तो अब देखो आप यहाँ पे कॉपीराइट, तो कॉपीराइट में तो होता है कि कॉपीराइट प्रोवाइड ए लीगल राइट टू द ऑथर ऑफ हिज बुक्स, ठीक है, लीगल राइट्स मिलता है। द फोटोग्राफ, एनी सच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क्स, कॉपीराइट रॉयल्टी इज पेबल बाय द पब्लिशर, पब्लिशर के द्वारा पे किया जाता है, जिसको लेसी बोलते हैं, ऑफ ए बुक्स टू द ऑथर, जो ऑथर होता है वो लेजर है, ऑफ डैट बुक्स और टू द फोटोग्राफर बेस्ड ऑन द सेल मेड बाय द पब्लिशर, मतलब पब्लिशर जो है जितना सेल करेगा उसके अनुसार जो लैंडलॉर्ड है या लेजर है उनको पेमेंट होता है, ठीक है, तो वो कॉपी राइट कहलाता है। उसी तरह से माइनिंग रॉयल्टी है, द लेसी ऑफ ए माइन और क्वेरी, ठीक है, खान वगैरह हो जाएगा, खदान वगैरह जो है, पेज रॉयल्टी टू लेजर, लेजर को पेमेंट करेगा ऑफ द माइन के कारण, ठीक है, विच इज जनरली बेस्ड ऑन द आउटपुट बेसिस, मतलब आउटपुट बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे काम किया जाएगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी, रॉयल्टी में किसके बेस पे होगा काम, ठीक है। पेटेंट रॉयल्टी एक है, तो पेटेंट रॉयल्टी भी देख सकते हो, तो पेटेंट रॉयल्टी इज पेड बाय द लेसी टू द लेजर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन के बेस पे ही काम होता है, ठीक है, तो ये पेटेंट रॉयल्टी होता है। क्लियर यहाँ तक है? तो आया समझे रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी का टाइप्स क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो रॉयल्टी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रॉयल्टी का
कंडीशन, एक है ईयर है ठीक, आउटपुट है, रॉयल्टी है, मिनोरेंट है, रॉयल्टी पेबल है, शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड है, और नेट रॉयल्टी पेबल है। एक तो ये तरीका है बनाने का, एनालिटिकल टेबल निकालने का ठीक है, रॉयल्टी का कैलकुलेट करना, तो आप एक इस तरीका से आप कर सकते हो। और एक और तरीका है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये भी है, एक ईयर है, आउटपुट है, रॉयल्टी है, मिनोरेंट है, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रॉयल्टी सस्पेंस भी बोलते हैं, सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है, ऑन शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल है, और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड है। तो ये एनालिटिकल टेबल है जो कि रॉयल्टी कैलकुलेट करने, लेकिन कुछ इसमें नए नए पॉइंट है, जैसे कि मिनोरेंट है, शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, तो ये सब होता है क्या, थोड़ा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो मिनोरेंट देख सकते हो क्या होता है मिनोरेंट। अब देखो यहाँ पे मिनोरेंट, मिनोरेंट की अगर बात करें, देखिए मिनोरेंट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड बाय द लेसी टू द लेजर ठीक है, मतलब ऐसा अमाउंट होता है जो लेसी पेमेंट करता है लेजर को, वेदर और नॉट ही हैज ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स ठीक है। एसेट्स पे उसको प्रॉफिट हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको चाहिए उतना रेंट ठीक है, मिनोरेंट। इसलिए इसको हम लोग डेट रेंट या रॉक रेंट या फिक्स रेंट ही बोलते हैं। मतलब कि देखो, एक तो आपको मालूम हो चला कि भाई पब्लिशर है, तो पब्लिशर को सेल के अमाउंट पे मिलेगा पैसा ठीक है, सेल के रेशियो पे उसको पैसा मिलेगा। एक कंडीशन है कि सेल के रेट पे नहीं मिलेगा, एक होता है प्रोडक्शन का अमाउंट पे मिलता है, चलो प्रोडक्शन अमाउंट से मिला था, फिर भी लेसर क्या करता है, लैंडलॉर्ड क्या करता है, एक रेंट फिक्स कर लेता है कि इतना रेंट हमको चाहिए ही ठीक है। मतलब सपोज अगर 10,000 रेंट बोला जाता है, 10,000 रेंट चाहिए, अगर प्रोडक्शन करने पे मतलब कि अगर 15,000 मिला तो उसको 15,000 ही मिलेगा लेसर को ठीक है, लेकिन 15,000 से कम प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि उसको बन रहा है पैसा, इनकम बन रहा है, कमीशन है जो बोल सकते हो, रॉयल्टी बन रहा है, तो उसके जगह पे वो 10,000 ही लेगा ठीक है। तो इसी MR कैन बी फिक्स्ड सम, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है फॉर एवरी प्रत्येक ईयर के लिए, और मे चेंज एवरी ईयर एज पर द टर्म ऑफ द अग्रीमेंट। हाँ, इस पे मिनिमम रेंट आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन अग्रीमेंट पे जो कंडीशन होगा वही उसी के अनुसार किया जाएगा। एक है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड है। देखो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड क्या होता है, देखो हम कोशिश किए कि सिंपल वे में समझ में आ सके, इजी वे में, तो वही हम लिखे हुए यहाँ पे। तो देखो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड क्या होता है, यूजुअली इन ए रॉयल्टी अग्रीमेंट ए फर्दर प्रोविजन इंक्लूडेड अबाउट द रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, मतलब शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करते, जो हमारा लॉस आता है वो लॉस अब किससे रिकूप करेंगे, जो लेसर को हम पैसा दिए हो रहते हैं, जो लैंडलॉर्ड को हम दिए हो रहते हैं पैसा, उसी से हम रिकूप करेंगे ठीक है। तो वो रिकूप करेंगे तो कैसे रिकूप करेंगे वो देखिए, तो ये थोड़ा समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। द लेसर अलाउ द लेसी द राइट टू कैरी फॉरवर्ड, मतलब जो लेजर है अलाउ करता है कि अगर आपको अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उससे आप कैरी कर लो, सेटअप कर लो वहाँ से आगे, सरप्लस के अमाउंट से जितना भी सरप्लस हुआ उससे आप कैरी कर लो ठीक है। तो वो चीज़ होता है शॉर्ट वर्किंग, जितना भी जो सरप्लस हुआ है उससे उसको कैरी करना होगा, तो वो आपके लिए क्या है, एक शॉर्ट वर्किंग रिक्रूप्ट का काम होता है। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि रॉयल्टी का कुछ टर्म हम लोग सीख लिए हैं, कि रॉयल्टी होता है क्या, रॉयल्टी का टर्म क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो देखो कुछ क्वेश्चन हम लाना चाह रहे हैं, तो वो देखिए आपके आपके पास एक क्वेश्चन है, वो भी देख ही लो यहाँ पे ठीक है। पहले करना क्या है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे कॉपी पे, और तब क्वेश्चन को आप बनाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी हम बनाएंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन तो इसको नोट डाउन करोगे तभी तो मालूम चलेगा ना ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मिस्टर ए इज ए बुक ऑथर, मिस्टर ए जो है बुक ऑथर है, हु ग्रांट्स हिज बुक्स पब्लिश, मतलब जो ग्रांट कर दिया पब्लिश करने का, एक राइट्स दे दिया है टू MSXYZ पब्लिशिंग, मतलब XYZ मेसर्स XYZ पब्लिशिंग हाउस को दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ ₹5 पर बुक सोल्ड, मतलब कि सोल्ड अगर जितना होता है उसका ₹5 के हिसाब से रॉयल्टी मिलेगा उसको, सब्जेक्ट टू मिनोरेंट 75,000 रुपये मिनोरेंट भी है इसका, एंड द पब्लिशर हैज़ टू राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट 2 ईयर्स ठीक है। पब्लिशर रिकूप करना चाहेगा ठीक है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग उसको टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, अगले 2 साल के लिए उसको टाइम दिया जाएगा ठीक है, ऑफ द शॉर्ट एंड नॉट देयर आफ्टर। द सेल ऑफ बुक इन 6 ईयर वॉज एज अंडर ठीक है, जैसे ईयर नंबर ऑफ बुक सोल्ड दिया हुआ है, तो देखो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 में सेल हुआ है, जैसे 12,000 का हुआ है, 14,000 का हुआ है, 17,000, 20,000, 13,000, 21,000, इतना इतना का सेल हुआ है, तो इन सभी को जब सेल किया गया है, तो वो सेल अगर हुआ है तो आपको
तो इस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट डाउन कर लोगे ताकि क्लियर होगा, ठीक है। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों मेथड से बताएंगे, दोनों टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। कोशिश करना है कि अच्छे तरह समझ में आ जाए आपको, ठीक ना। आई थिंक थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए तो पहले हम ईयर लिख लेते हैं, जैसे कि 2011 है ईयर, 2012 है, 2013 है, 14 है, 15 है, 16, ठीक, 16 तक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आउटपुट तो कितना कितना प्रोडक्शन हुआ था। देखो 11 में प्रोडक्शन हुआ था 12,000 का, 12 प्रोडक्शन हुआ था 14,000 रुपये का, इसमें हुआ था 17,000 का, 20,000 का, 13,000 का और 21,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, वीडियो थोड़ा हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब रॉयल्टी चेक करते हैं, रॉयल्टी था 5 रुपये, ठीक ना। तो 5 रुपये था, तो 5 रुपये था, तो आप क्या करो कि रॉयल्टी जो 5 रुपये था आपका, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जितना भी आपका आउटपुट हुआ है तो 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर इंटू कर दो 5 रुपये से, ठीक है, 5 रुपये से इंटू कर दो, कोई दिक्कत। तो 5 से इंटू कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे तो 12,000 है, तो 12,000 इंटू 5 क्या, तो 12,000 × 5 60,000 रुपये हो जाएगा, फिर 14,000 × 5 70,000 रुपये हो जाएगा, 17,585, 1,00,000, 13,565 और 21,500 1,05,000। यहाँ तक कोई डाउट तो बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मिनिमम रेंट है यहाँ पे, तो मिनिमम रेंट भी आप चेक कर लो, तो मिनिमम रेंट आपका 75,000 दिया था हर साल, तो 75,000 सॉरी पेन खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं है, 75,000, ठीक। अब रॉयल्टी पेएबल की बात करते हैं, समझिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। तो रॉयल्टी पेएबल की बात करेंगे, तो रॉयल्टी पेएबल में देखो कि ज़्यादा कौन है इसमें, तो 75,000 तो वो चीज़ डाल दो आप जो ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा 75,000 तो वो भी डाल दो, इसमें 85,000 ज़्यादा है, इसमें 1,00,000 ज़्यादा है, इसमें 75,000 ज़्यादा है और इसमें 1,05,000 रुपये ज़्यादा है। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। अब देखो शॉर्ट वर्किंग की बात करेंगे, तो शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो शॉर्ट वर्किंग की बात करते हैं, तो शॉर्ट वर्किंग देख लो आप, तो शॉर्ट वर्किंग कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। देखो रॉयल्टी मेरा 60,000 रुपये हो रहा है, और मिनिमम रेंट 75,000, मतलब 60,000 रुपये हम अर्न, मतलब रॉयल्टी अर्न कर रहा, लेसर तो 60,000 रुपये अर्न करना चाह रहा था, लेकिन मिनिमम रेंट 75,000 रुपये दिया है, देना तो लेगा तो 75,000 रुपये ही वो लेगा, रॉयल्टी पेबल हमको 75,000 ही देगा, देना पड़ेगा, मतलब कि हमको 15,000 का लॉस हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग मीन्स होता है लॉस, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप हम लिख दे रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग मीन्स होता है लॉस। फिर देखो रॉयल्टी बन रहा है 70,000, लेकिन रेंट हमको देना पड़ रहा है 75,000, तो रॉयल्टी पेबल 75,000 बन रहा है, तो 5,000 रुपये का फिर हमको लॉस हो गया। अब रॉयल्टी अर्न हुआ 85,000 रुपये का, लेकिन रेंट है 75,000 रुपये का, तो 75,000 रुपये का, तो आप खुद सोचो, तो यहाँ तो 5,000 रुपये का आपका सरप्लस बन रहा है, तो 5,000 रुपये का सरप्लस जो बन रहा है, तो वो हम सरप्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, सरप्लस इस पर नहीं लिखना है। 1,05,000 इसमें भी आपको सरप्लस नहीं लिखना है। कितना का हो रहा है ये आप ध्यान रखो, जैसे 85,000 है 75,000, तो 10,000 का हो रहा है सरप्लस, और इसमें 25,000 का सरप्लस हो रहा है, 60,000 75,000, तो यहाँ पे 15,000 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है,
और 1,05,075 है, तो यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। क्या कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो शॉर्ट वर्किंग रिकूप की बात करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कैसे निकलेगा वो थोड़ा सुन लेते। अच्छा हम लोग ये चीज़ ध्यान तो देख लिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो आया जहाँ जहाँ खाली है सरप्लस, क्योंकि रिकूप कब होगा, जब सरप्लस होगा तभी रिकूप हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम आपको बताएं कि रिकूप का मतलब होता है कि जब सरप्लस होगा तभी वो अगले साल में सेटअप हो सकेगा। जैसे यहाँ पे सेटअप करने के लिए क्या बोला था, रिकूप करने के लिए क्या बोला था कि पब्लिशर जो होंगे वो रिकूप करेंगे लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स का टाइम दे जाएगा, अगले 2 साल का टाइम दे जाएगा। तो देखो यहाँ पर लॉस है मेरा 15,000 रुपये, तो 15,000 का अगला 2 साल, 1 और 2 यहाँ पर आ रहा है ना, तो अगला 2 साल यहाँ आ रहा है, ठीक। तो अगला 2 साल यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब इसमें तो लॉस है तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ पे मिलेगा, तो अगले 2 साल का लॉस हो रहा है। तो अगले 2 साल का जो लॉस हो रहा है मेरा, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट भी तो है, तो कितना का प्रॉफिट था आपका, 10,000 का प्रॉफिट था ना, 85,000 से 75,000 10,000 का प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट था ना, इसलिए डैश छोड़ दिए थे हम, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट था, तब देखो 15,000 रुपये मेरा लॉस है और 10,000 रुपये मेरे पास प्रॉफिट है, तो अब 10,000 रुपये हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, सेटअप कर देंगे। तो बाकी क्योंकि हमको 2 ही साल का टाइम दिया गया था, 2 ही साल तक का टाइम दिया गया था इस पे, तो 2 ही साल का टाइम दिया गया था ना, तो इसका आगे तो लैप्स कर गया मेरा टाइम, तो बाकी जो बचा 5,000 रुपये वो 5,000 रुपये हम शॉर्ट वर्किंग लैप्स में डाल देंगे। कोई डाउट यहाँ तक है, क्लियर है? शॉर्ट वर्किंग लैप्स में डाल देंगे, क्लियर हुआ ना। 15,000 रुपये है और अगला 2 साल नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो 1 और 2 यहाँ तक, इसका यहीं तक हम लोग काम कर सकते हैं अगले 2 साल के लिए। तो अगला 2 साल में हमको प्रॉफिट भी तो हुआ था, यहाँ सरप्लस हुआ था ना, ये डैश हम बताया था, यहाँ सरप्लस हो गया, फायदा हो गया, तो सरप्लस हुआ 10,000 का सरप्लस हुआ है, तो 15,000 है और 10,000 रुपये आप दे दिए, तो 5,000 रुपये लैप्स कर गए, क्योंकि अब वो 5,000 रुपये मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 ही साल तक का टाइम दिया गया था, ठीक है। अब देखो अब इसका अब अगला 2 साल यहाँ पर आएगा, तो 5,000 रुपये लॉस है, तो ये तो यहाँ पर मतलब एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो इसका देखो, तो यहाँ पे तो भी प्रॉफिट था ना, कितना का 25,000 का प्रॉफिट है, जबकि 5,000 रुपये का मेरे पास लॉस है, डायरेक्ट हम 5,000 रुपये का लॉस दे देंगे, ठीक, एडजस्ट कर लेंगे, फिर भी 20,000 रुपये बच रहा, तो लैप्स उसको तो लैप्स हम नहीं कहेंगे ना क्या। अच्छा अब इसका 2 साल, तो अगला 2 साल यहाँ पे आएगा, तो 1 साल में प्रॉफिट हो रहा है, उसका अगले साल में प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो एडजस्ट कर सकते हैं, कितना का प्रॉफिट होगा, 1,05,075 रुपये यहाँ पर है ना, तो 30,000 रुपये का हो जाएगा, जबकि 10,000 रुपये ही लॉस है, तो हम डायरेक्ट 10,000 रुपये दे देंगे, 20,000 रुपये बचे। कोई डाउट यहाँ तक हो? अब हम लोग नेट रॉयल्टी पेएबल निकालेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीज़ कैसे निकला। अब रॉयल्टी, नेट रॉयल्टी पेएबल निकालेंगे, देखो नेट रॉयल्टी पेएबल जब भी होगा इससे कम तो नहीं होगा, मिनिमम रेट से कम नहीं हो सकता, कैसे निकालेंगे, 5 नंबर 7 नंबर माइनस कर दो, 5 नंबर 7 नंबर माइनस कर, 75,000 से कुछ नहीं है तो 75,000 ही रह जाएगा, 75,000 में यहाँ पे कुछ नहीं था 75,000 ही रह जाएगा, यहाँ पे 85 या 10 है तो 75,000 रुपये हो जाएगा, 1,05,000 तो 95,000 रुपये हो जाएगा, फिर 75,000 है यहाँ पास कुछ नहीं तो 75,000 रुपये हो जाएगा, फिर यहाँ 1,05,000 यहाँ 10,000 तो 95,000 रुपये हो जाएगा, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, एनालिटिकल टेबल थोड़ा वीडियो टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे निकला ये ईयर आउटपुट रॉयल्टी, सब समझ में आ गया। तो एनालिटिकल टेबल बनाना होता है, एनालिटिकल टेबल बनाकर आपको ईयर आउटपुट रॉयल्टी सब आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम रॉयल्टी पेएबल शॉर्ट वर्किंग कैसे, एक ये कंडीशन था, चलो दूसरा कंडीशन वो डिस्कस कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन कैसे निकलेगा वो भी देख लो, तो इसमें भी आपको वही काम करना है, ईयर आपका दिया हुआ है बुक में इसी कंडीशन पर है, इसी बुक पर देखिए 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ठीक, आउटपुट 12,000 है, 14,000 है, 17,000 है, 20,000 है, 13,000 है, 21,000, आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। रॉयल्टी है तो रॉयल्टी था 60,000 था, 70,000 हुआ था, 5 से 2 कर दिए थे 85,000, 1,65,000, 1,05,000, ठीक। मिनिमम रेंट आपका 75,000 था तो मिनिमम रेंट 75,000,
75,000 ठीक। अब शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगा तो देखिए शॉर्ट वर्किंग की बात करते हैं हम लोग। देखो शॉर्ट वर्किंग का भी वही काम करना है ठीक है। जैसे हम लोग निकाले थे 15,000 का लॉस हुआ था, फिर हुआ था 5,000 रुपये का लॉस हुआ था। हाँ इसमें सरप्लस दिखाना है, जैसे उसमें सरप्लस नहीं शो किए थे ना, तो इसमें 10,000 का सरप्लस और 10,000 रुपये सरप्लस डाल देंगे। फिर 25,000 रुपये का सरप्लस हुआ है, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकेंड, 5,000 का 10,000 रुपये का प्रॉफिट, 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, फिर यहाँ पे 10,000 रुपये का लॉस हो गया था, फिर यहाँ पे 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। रिकूप करेंगे तो वही चीज़ है, रिकूप करने का 15,000 रुपये है यहाँ पे, जबकि सरप्लस यहाँ 10,000 रुपये क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स तक का टाइम दिया गया था, तो इस चीज़ का नेक्स्ट 2 ईयर्स यहीं तक आएगा ना, इसको भी छोड़ दो 5,000 को, तो 15,000 का नेक्स्ट 2 ईयर्स यहीं पर आ रहा है, तो 15,000 है यहाँ पे, तो इसको हमको सेटअप करना है। तो अगले 2 साल में, तो 2 साल में देखो तो एक बार तो लॉस है तो छोड़ दो उसको, प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्रॉफिट है तो 10,000 रुपये रिक्रूटमेंट डाल देंगे ठीक। तो ये 5,000 बच रहा है, अब मेरे पास टाइम ही नहीं, 2 ही साल तक का टाइम दिया गया हुआ था, तो 5,000 रुपये डायरेक्ट हम लैप्स कर देंगे, मतलब कि पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसी तरह इसका भी 2 साल, तो यहाँ आएगा 2 साल, तो 1 साल तो खत्म हो गया, तो 1 ही साल बचा हुआ है 5,000, जबकि प्रॉफिट है 25,000, तो 5,000 रुपये डायरेक्ट दे देंगे। अब इसका चेक करो 10,000, तो इसका 2 साल यहाँ आएगा, लेकिन 30,000 रुपये है पहले वाले में, 10,000 दे देगा ठीक। अब देखो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे निकलेगा, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे निकाला जाएगा। देखिए तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे निकालेंगे, रॉयल्टी और मिनोरेंट में जो 12 है, रॉयल्टी और मिनोरेंट में जो 12 है ठीक है, बार बार समझिएगा, रॉयल्टी और मिनोरेंट जो 12 है उसमें से शॉर्ट वर्किंग को घटा देंगे। रॉयल्टी मिनोरेंट 12 कौन है, 75,000, रिकूप कुछ नहीं है 75,000। फिर इन दोनों 12 कौन है, 75,000, इसमें रिकूप कुछ नहीं है 75,000। इन दोनों 12 कौन है, 85,000 है, रिकूप कितना है 10,000 है, तो 75,000 रुपये हो गए। फिर यहाँ 1,12,000 है तो 1,12,000, और यहाँ पर रिकूप कितना है 5,000 है, तो 95,000 हो जाएगा। फिर यहाँ 75,000 रुपये, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 75,000 रुपये हो जाएगा ठीक है। 1,05,000 है, यहाँ पर 10,000 है, तो 95,000। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया ठीक। थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करोगे ठीक है, क्योंकि लाइन भी थोड़ा बड़ा था जिसके कारण पूरा कवर नहीं हो पाया, तो आई थिंक इसे समझ में आ चुका होगा, कैसे थोड़ा सा इसे थोड़ा सा कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है। तो जो आंसर इस पर था उस पर भी था, दोनों तरह से हम लोगों ने एनालिटिकल टेबल बना चुके हैं ठीक है। एक पहला कॉन्सेप्ट था ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट था, और एक आपका जो था वो था आपका नंबर 2 कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ हम लोग सीख लिए कि टेबल कैसे बनाया जाएगा, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपका जो हम लोग का वीडियो होगा वो होगा हम लोग का कि वो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें कि इसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाएगा, इस पर लेजर कैसे पास किया जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। तो आई थिंक वीडियो समझ में आ चुका होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।